हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहा फूडीज चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ घर पर ढाबा स्टाइल दाल तड़का। तो चलिए आइए इस यम्मी सी इजी रेसिपी को बनाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ली है 2 कटोरी चने की दाल, 1 कटोरी अरहर जिसे मैंने भिगो के रख दिया था। यहाँ पे मैंने काटे हैं 2 टमाटर, 1 इंच टुकड़ा अदरक का, और उसी के साथ मैंने काटा है हरी मिर्च 4 से 5। यहाँ मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है जो जो सामान मैंने कट किया था, टमाटर, उसके बाद मैंने डाली है 4 से 5 हरी मिर्चें, और इसी के साथ मैं डालूँगी 1 इंच टुकड़ा अदरक का जो मैंने धो के चॉप करके रखा हुआ था। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद मैं डालूँगी नमक। नमक डाल रही हूँ मैं 2 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून डाला है हल्दी, उसी के साथ कुटी लाल मिर्च डाली है, और मैंने डाला है पिसा हुआ सूखा धनिया, और इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच भर के लहसुन का। फ्रेंड्स, अगर आप लहसुन नहीं खाते स्किप कर दीजिएगा। ऑयल डाला है, ऑयल डालने से जब हम बॉयल करेंगे दाल बाहर बिल्कुल भी नहीं आती है। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी यहाँ पर बॉयल हुई हुई दाल तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन, पैन में डाला है मैंने ऑयल, ऑयल के साथ मैं डाल रही हूँ इसके अंदर थोड़ा सा हींग, उसके बाद मैंने डाला है जीरा, जीरा डालने के साथ साथ ही मैं इसमें डाला है प्याज, प्याज यहाँ पे मैंने दो लिए थे, इसको मैंने अच्छे से कट कर और काट दिया था, और यहाँ पर मैं इसे सॉटे करूँगी अप्रॉक्सीमेट 1 मिनट के लिए। इसके बाद मैं डालूँगी नमक, इसमें डालूँगी हल्दी बहुत 1/4 टीस्पून, इसी के साथ डालूंगी मैं 1/2 टेबल स्पून सूखा धनिया पिसा हुआ है ये, इसी के बाद मैं डालूंगी इसके अंदर देगी लाल मिर्च कलर के लिए। फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने कूटी लाल मिर्च बॉयल करते हुए डाली थी, और आप नमक अपने अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा भी कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से हम लोग भूनेंगे, और ये देखिए ये मेरा यहाँ पर मसाला बन गया है। मैं इसमें डाल रही हूँ अपनी उबली हुई दाल। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आ रहा है। इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से उबाला आने तक पकाएंगे। जब इसमें उबाला आ जाएगा तो मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा धनिया। धनिया डालने से क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें फ्लेवर्स बहुत अच्छे आएंगे धनिया के। ये देखिए मैंने यहाँ पे धनिया डाला है, इसे मैं 1-2 मिनट के लिए और पकाऊँगी, और यहाँ पर मेरी दाल ऑलमोस्ट बन चुकी है। फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको सर्विंग बाउल में डाल रही हूँ, मेरी दाल बन चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी एक और छौंक लगाऊंगी। ये मैंने छोटी सा पैन लिया है, इसमें मैंने डाला है देसी घी, उसी के साथ डाले थोड़ा सा क्यूमिन सीड, जीरा और साबुत लाल मिर्च, साथ में कलर के लिए देगी लाल मिर्च का यूज़ किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी यहाँ पे ढाबा स्टाइल होममेड दाल बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। बाय बाय।